हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 10th ज्योमेट्री, लेसन नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रैक्टिस सेट 5.3। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब हमको यहाँ पे ए दिया गया है, बी दिया गया है एंड सी दिया गया और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। हमको ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मीन्स क्या हो गया, एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखिये 3 पॉइंट दिया गया है, तो 3 पॉइंट में से हम लोग पहले 2-2 पॉइंट का स्लोप निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे अभी स्लोप निकालेंगे ए बी का, उसके बाद निकालेंगे बी सी का। तो यहाँ पे लिखो ए, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, -1 -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 0 1। तो हमारा क्या हो जाता है, x1 y1, यहाँ पे x2 y2। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, आपको फॉर्मूला तो पता है, क्या है फॉर्मूला, y2 - y1 / x2 - x1। तो y2 कितना है देखो, 1 माइनस, और यहाँ पे y1 के लिए -1 है, अपॉन में x2 कितना है 0 माइनस, x1 के लिए कितना है ये भी -1 है। ये क्या हो जाएगा देखो, 1 + 1 / +1 होगा, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2/1 क्या होगा, 2 होगा, मीन्स स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमारी आई 2। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो बी का कोऑर्डिनेट पहले लिख लो, क्या है 0 1 है, एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 है। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन बी सी, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, y2 - y1 / x2 - x1। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि कभी भी हम जब इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट हरदम यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 कर देना, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसको पहले मत लिख लेना x1 y1 x2 y2 x3 y3। जब यहाँ पे x3 y3 हो जाएगा ना, तो हमारा फॉर्मूला हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये y2 जो दिया गया, y2 कितना है 3 - 1, देखो y1 1 है, और यहाँ पे x2 में क्या जगह 1 - 0, ये बनेगा 3 - 1 2 1 - 0 1, ये भी कैंसिल होगा तो 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ बी सी कितनी आ गई, स्लोप ऑफ लाइन बी सी ये भी 2 आई है, और यहाँ पे ए बी भी 2 है। जब दोनों का स्लोप सेम होगा तो ही वो कोलिनियर हो सकता है। तो यहाँ पे लिखोगे द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, एंड इसमें से देखो कि कॉमन पॉइंट कौन सा है। देखो यहाँ पे ए बी एंड यहाँ पे बी सी, कॉमन पॉइंट क्या है, बी है, बी इज कॉमन पॉइंट, सो दैट पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। सो दोस्तों, इसी तरीके से करना था हमको, पहले 1 लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर 2nd लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। दोनों का स्लोप अगर इक्वल है तो वो कोलिनियर हो जाएगा, अगर ये दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट, 2nd क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। डी का दिया गया है, ई दिया गया है एंड एफ दिया गया है। देखो डी का कोऑर्डिनेट है, ई का कोऑर्डिनेट है एंड एफ का कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी का स्लोप निकालेंगे, उसके बाद में ई एफ का स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल रहेगा तो वो कोलिनियर होगा,
यहाँ पे हम लोग डी लिख लेते हैं। डी में क्या दिया गया, माइनस टू माइनस थ्री एंड ई दिया गया है वन जीरो। ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ये होगा एक्स टू वाई टू। हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, स्लोप ऑफ डी, स्लोप ऑफ लाइन डी ई इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू कितना है देखो, जीरो। वाई वन कितना है, माइनस थ्री अपॉन एक्स वन कितना, एक्स टू कितना है, वन माइनस माइनस टू। तो ये हो जाएगा जीरो प्लस थ्री अपॉन वन प्लस टू। जीरो प्लस थ्री कितना होता है, थ्री, और यहाँ पे टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री। ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारी स्लोप ऑफ लाइन डी ई कितनी आ गई, वन। अब किसका निकालना रहेगा, स्लोप ऑफ ई एफ। तो यहाँ पे लिखो, पहले ई का कोऑर्डिनेट लिख लो। ई का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, वन जीरो, एंड एफ का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, टू वन। ये क्या बनेगा, एक्स वन वाई वन, और ये बनेगा एक्स टू वाई टू। यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन ई एफ। ई एफ में क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, वाई टू माइनस वाई वन एंड एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू कितना है, वन माइनस वाई वन जीरो अपॉन एक्स टू कितना है, टू माइनस एक्स वन कितना है, वन। तो ये हो जाएगा वन माइनस वन वन, टू माइनस वन वन। ये इससे कैंसिल हो गया वन टाइम में, ये आएगा वन। तो यहाँ पे देखो, ये भी वन आया है, यहाँ पे भी वन आया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा स्लोप ऑफ लाइन डी ई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ई एफ। एंड इसमें से कॉमन पॉइंट कौन सा, देखो डी ई एंड ई एफ मीन्स ई कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट ई इज कॉमन पॉइंट सो दैट पॉइंट डी ई एंड एफ आर कोलिनियर। ये भी हमारा आया कोलिनियर। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो एल का पॉइंट दिया गया है कितना है, टू फाइव, एंड एम का पॉइंट दिया गया है थ्री थ्री। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ एल एम निकालेंगे। ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन, और ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू। यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन एल एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू कितना है देखो, थ्री माइनस फाइव अपॉन एक्स टू कितना है, ये भी थ्री है बट माइनस टू हो गया। तो थ्री माइनस फाइव कितना होता है, माइनस टू, और थ्री माइनस टू कितना होता है, वन। ये कैंसिल होगा तो माइनस टू आएगा, मीन्स ये इसका स्लोप आ गया माइनस टू। अब यहाँ पे हमको एम एन का निकालना है, तो एम कितना दिया गया है, थ्री थ्री, एंड एन दिया गया है फाइव वन। ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू। यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन एम एन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू कितना है, वन माइनस वाई वन कितना है, थ्री अपॉन में एक्स टू कितना है, फाइव माइनस थ्री। तो वन माइनस थ्री कितना होता है, माइनस टू। यहाँ पे हो जाएगा फाइव माइनस थ्री, ये हो जाएगा टू, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा माइनस वन। तो यहाँ पे देखोगे ये कितना आया, माइनस टू है, ये कितना है, माइनस वन है, तो ये कोलिनियर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर में लिखोगे द स्लोप ऑफ लाइन एल एम इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एम एन
so that point L, M and N are not collinear. सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, P की वैल्यू दी गई है 2-5 एंड Q की वैल्यू दी गई है 1-3। तो हमको स्लोप ऑफ PQ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन PQ, स्लोप ऑफ लाइन PQ का फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 - y1 / x2 - x1। y2 कितना है -3, माइनस y1 कितना है -5, अपॉन में x2 कितना है 1 - 2। यहाँ पर जाएगा -3, ये -5 अपॉन 1 - 2 कितना होता है -1 होगा। तो ये हो जाएगा -3 + 5 कितना होगा 2, और यहाँ पे -1, तो ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम में। यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास -2। अब किसका निकालना है, क्यू आर का स्लोप निकालना है। तो हमको पहले क्यू लिखना पड़ेगा, क्यू का कोऑर्डिनेट है 1 - 3 एंड आर का कोऑर्डिनेट है -2 - 3। ये क्या हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। x1 तो कभी भी याद रखना, फॉर्मूला हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा, और मेरे हिसाब से इससे इजी तुम्हारा एक्सरसाइज कोई भी नहीं हो सकता। तो y2 कितना है 3 - -3 और x2 कितना है -2 - 1। देखो ये -2 इधर से आया, माइनस ये वाला, और ये x1 की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जगह 3 - -+3 अपॉन में -2 - 1 - 3। तो ये देखो 3 + 3 कितना होता है 6 अपॉन -3, इससे कैंसिल कर दो 2 टाइम में, ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये भी -2 है, ये भी -2 है, इसका मतलब ये कोलिनियर बनेगा। यहाँ पे आंसर में लिखोगे द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। एंड इसमें से देखो पी क्यू एंड क्यू आर में कौन सा कॉमन आ रहा है, क्यू है, पॉइंट क्यू इज द कॉमन पॉइंट सो दैट पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर, इसीलिए ये कोलिनियर होगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखोगे R की वैल्यू दी गई है 1 - 4 एंड S दिया गया है -2 - 2। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन RS इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। तो y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -4 अपॉन में x2 कितना है -2 - 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये क्या जाएगा 2 - -+4 अपॉन, ये हो जाएगा -2 - 1 - 3। यहाँ पे क्या होगा 2 + 4 = 6 अपॉन -3, तो ये 3 × 2 = 6 हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -2। अब किसका निकालना पड़ेगा स्लोप, एस टी का। यहाँ पे एस लिख लो, एस कितना दिया गया -2 - 2, उसके बाद टी दिया गया है -3 - 4।
तो ये हमारा क्या बन जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। देन यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन ST, ST का स्लोप क्या हो जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 कितना दिया गया 4 माइनस 2 अपॉन x2 कितना दिया गया माइनस 3 माइनस माइनस 2 4 माइनस 2 2 अपॉन माइनस 3। ये देखोगे ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 3 प्लस 2। माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा माइनस 1, 1 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 है। अब यहाँ पे देखो ये भी माइनस 2 है, ये भी माइनस 2 है, इसका मतलब ये कोलिनियर है। स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ST एंड कौन सी पॉइंट कॉमन है, यस कॉमन है, तो यहाँ पे लिखोगे पॉइंट यस इज कॉमन पॉइंट सो दैट पॉइंट आर यस एंड टी आर कोलिनियर। ये क्या बनेगा कोलिनियर हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या दिया है देखिए, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है एंड के का कोऑर्डिनेट दिया गया है और एन का कोऑर्डिनेट दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ए के फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे ए के लिए लिख लो माइनस 4 4 एंड के लिए बनेगा माइनस 2 एंड 5 बाय 2। ये क्या हो जाएगा हमारा x1 y1, ये होगा x2 y2। यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन ए के क्या हो जाएगा देखो y2 minus y1 upon x2 minus x1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 5 by 2 है, 5 by 2 माइनस 4 अपॉन में यहाँ पे x2 कितना है माइनस 2 है, माइनस x1 कितना है माइनस 4। इसको ब्रैकेट में लिखो, तो यहाँ पे ध्यान दोगे ये क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4, ये तो हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो 5 by 2 minus 4 अगर इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 5 minus 2 4 जा 8 upon 2, ये क्या हो जाएगा -3 by 2। यहाँ पे इसको लिख लोगे -3 by 2, ये हो जाएगा -3 by 2 अपॉन में, और ये क्या बन जाएगा देखो -2 है प्लस 4 है, -2 plus 4 कितना होता है 2 होगा। तो यहाँ पे देखोगे -3 by 2 है, यहाँ पे भी -3 by 2 वैसे को वैसे लिखा, और यहाँ पे -2 plus 4 क्या होता है 2 होता है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -3 by 2, मैं इसको ऐसे लिख दे तो चलेगा divided by 2, यहाँ पे देखो divided by 2 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -3 by 2, यहाँ पे डिवाइड है तो इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 by 2 कर दो, जब 1 by 2 करोगे तो क्या हो जाएगा -3 by 4 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो ये क्या आया ए के का स्लोप आया, अब हमको क्या करना है के एन का स्लोप निकालना है, तो इसके लिए भी वैसे करो, के की वैल्यू दी गई है हमको -2 5 by 2 एंड एन की है 4 minus 2, यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन के एन में क्या हो जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो y2 कितना है इसको यहाँ पे लिख लो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। y2 कितना है हमारे पास -2 माइनस y1 कितना है 5 by 2 अपॉन में ये हो जाएगा x2 कितना है 4 minus -2। देन यहाँ पे देखो 4 minus minus plus, तो ये हो जाएगा 4 plus 2 और इसको अब इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ये देखो -2 minus 5 by 2, ये क्या बनेगा देखो 2 2 जा 4 तो -4 minus 5 by
टू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस नाइन बाय टू आएगा। यहाँ पे लिख लोगे माइनस नाइन बाय टू, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस नाइन बाय टू अपॉन में सिक्स हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, नाइन बाय टू डिवाइडेड बाय सिक्स कर दे, देखो ये डिवाइडेड बाय सिक्स है, तो हम इस तरीके से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन बाय टू इंटू वन बाय सिक्स। अब इसमें से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो वह थ्री टू जा सिक्स और ये थ्री, तो ये क्या आ जाएगा, देखो थ्री वन जा थ्री और माइनस माइनस थ्री और टू टू जा फोर, यही आया देखो माइनस थ्री बाय फोर, यहाँ पे भी आ गया माइनस थ्री बाय फोर। ये किसका स्लोप है, के एन का, तो यहाँ पे आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए के इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन के एन एंड मिड पॉइंट क्या है, के है, के इज द कॉमन पॉइंट सो दैट पॉइंट ए के एंड एन आर कोलिनियर। इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना, स्लोप ऑफ लाइन ए के इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन के एन एंड के इज द कॉमन पॉइंट सो दैट पॉइंट ए के एंड एन आर कोलिनियर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, आज हम यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, इसके आगे के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर बताइए, ताकि इसको हम लोग और भी ज्यादा सुधार कर सके। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।